A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udaan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. आवाज की दुनिया के प्यारे साथियों, क्या आप उन पर्सनैलिटीज से मुखातिब होना चाहते हैं, उन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मकाम हासिल किया है, कोई अचीवमेंट हासिल की है? अगर ऐसा है तो आप रेडियो उड़ान पर सुने प्रोग्राम एक मुलाकात मेरे यानी अमित भट्ट के साथ हर शुक्रवार रात 9 से 10 और शनिवार शाम 4 से 5 आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात। यू आर लिस्निंग टू रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. And welcome to your own show, Zindagi khoobsoorat hai with Ajay Puneet Soni. Today is the Thursday, and Thursday is the special day for all of us. Ji haan, special isliye hota hai kyunki aaj ke din hum apni zindagiyon ko khoobsoorat banane ke liye socha karte hain, kuch baatein kiya karte hain ki kaise apni zindagi ko khoobsoorat banaya jaye. Mujhe lagta hai कि आज भी आप लोग तैयार होंगे डिस्कस करने के लिए एक कैरेक्टर के साथ, एक कहानी के साथ. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है दोस्तों. ये आपके सजेशंस और आपके फीडबैक्स बता रहे हैं. आपने इस शो को पसंद किया है, सराहा है, अपनी सराहों पर बिठाया है, चाहा है, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. हर बार कोई ना कोई टिप मैं आपको दिया करता हूं. हर बार मैं कहा करता हूं कि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसी बात में नहीं है कि आप कोई बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर लें या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर लें. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपने यूथ फेस्टिवल जीत लिया या यूनिवर्सिटी कंपिटिशन, जो यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपिटिशन है, चाहे उसे जीत लिया. अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपने अपना थीसिस सबसे अच्छा सबमिट किया. चाहे आपने बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आपकी जिंदगी खूबसूरत नहीं है. ये बातें मैं हमेशा ही किया करता हूं दोस्तों, और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी जिंदगी में. आप सोचते तो होंगे कि हर बार ये बातें दोहराता रहता है, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है. शायद पहले भी किसी एपिसोड में मैंने बताया था, एक बार बांग्लादेश में एक सर्वेक्षण हुआ था वर्ल्ड लेवल पर, और उस सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा खुश थे. जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि उन लोगों में गरीबी बहुत है. हालांकि गरीबी, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा विरोधाभास है गरीबी और खुशी, लेकिन ये हम कहानियों में भी पढ़ते आए हैं और किताबों में भी पढ़ते हैं कि जहां पैसा कम होगा या संपत्ति हमारे पास कम होगी उसे संभालने की चिंता भी कम होगी.
बहरहाल ऐसी बातें हमारे शो में होती ही रहती हैं और होती रहेंगी भी। और तो अब बात करते हैं आज के अपने कैरेक्टर की। आज के हमारे कैरेक्टर कुछ स्पेशल हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, क्योंकि अंदाजा लगना स्वाभाविक ही है। और जिस कैरेक्टर को आज हम रिव्यू कर रहे हैं, उसे रिव्यू करने की एक बहुत बड़ी सजेशन आई थी हमें अपने लिसनर्स की तरफ से, और ये सजेशन बहुत अच्छी सजेशन थी। हम अपने लिसनर्स के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कौन सा कैरेक्टर, कौन होगा वो जो बना है आज हमारे शो का आइडियल, बताऊंगा वापस आने पर। पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। अपनों का गुमा हो
आता है कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से हाय 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 magical words and travel far with entertainment. To listen Ocean of Words every Wednesday from 10 to 11 p.m. log on www.radioudaan.com. जिंदगी खूबसूरत है आरजे पुनीत के साथ जिंदगी इत्तफाक है कल भी इत्तफाक थी आज भी इत्तफाक है इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी को इत्तफाक मानते हैं उनके लिए जिंदगी में सचमुच सब कुछ एक इत्तफाक की तरह होता है एक बड़ी से बड़ी घटना को भी इत्तफाक मानते हैं वो लोग तो खैर दोस्तों बात अब आज के कैरेक्टर की कल 27 जून है और 27 जून को एक बहुत महान शख्सियत का जन्मदिन होता है
मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। आज हम उसी महान शख्सियत के जीवन की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों ने इस महान शख्सियत की कहानी बहुत जगह पढ़ी या सुनी हो, और आज भी आप लोगों को बहुत जगह पढ़ने सुनने को मिले। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस शो में जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जो बातें आपको बताई जाएंगी, या जो उनकी जिंदगी की कहानी आपको सुनाई जाएगी, उसमें कुछ अलग ही मजा आपको महसूस होगा। और अगर हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हेलेन केलर, हेलेन एडम्स केलर। हेलेन केलर एक महान लेखिका, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर थी, बहुत बड़ी लेक्चरर, उस वक्त की सोशलिस्ट पार्टी की एक्टिव मेंबर थी, और राइटर तो थी ही, जैसे मैंने आपको बताया। हेलेन केलर की जिंदगी को लेकर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। एक साइलेंट फिल्म में हेलेन केलर खुद अपीयर भी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामास बन चुके हैं। हिंदी में भी उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक फिल्म बनी थी, ब्लैक, याद होगा आप लोगों को। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी, हेलेन केलर की जिंदगी बहुत मुश्किल थी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं। इनकी जिंदगी में हर वो मुश्किल आई जो एक डेफ ब्लाइंड पर्सन की जिंदगी में आती है। डेफ ब्लाइंड, मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ना डेफ ब्लाइंड सुन सकता है, ना बोल सकता है, और ना ही देख सकता है। और मुझे एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त है। हम अभी भी उसके साथ रहते हैं, और उस इंसान की जिंदगी को हमने बहुत करीब से देखा है। और आज के शो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज के दौर में डेफ ब्लाइंड को कैसे एजुकेट किया जाता है, या वे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो खैर, हेलेन एडम्स केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कोम्बिया अल्बामा में हुआ था। मैं यहां पर बता दूं कि कई कई जगह पर यह टस्कोम्बिया का नाम टक्सुम्बिया प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन मैंने टस्कोम्बिया इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादा जगह पर यही नाम, यही प्रोनाउंसिएशन दी जाती है। हर फैमिली लिव्ड ऑन अ होमस्टेड आईवी ग्रीन दैट हेलेन ग्रैंडफादर हैव बिल्ट डिकेड्स अर्लियर। कई साल पहले, कई दशकों पहले उन्होंने जो होमस्टेड आईवी ग्रीन बनाया था हेलेन केलर के ग्रैंडफादर ने, उसी में उनका परिवार रहता था। उनके फादर आर्थर एच केलर, जिन्होंने कई साल एज एन एडिटर गुजारे थे विद द टस्कोम्बिया नॉर्थ एल्बेनियन, और एक लंबे अरसे तक कंफेडरेट मेमोरी में कैप्टन के तौर पर सर्विसेज दी थी। इनकी माता केट एडम्स, ये चार्ल्स डब्ल्यू एडम्स की बेटी थी।
हेलेन केलर के एक स्विस एंसेस्टर उस वक्त डेफ के टीचर थे ज्यूरिख में. केलर रिफ्लेक्टेड ऑन हिज कोइंसिडेंस इन हर फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी स्टेटिंग दैट देयर इज नो किंग हु हैज नॉट हैड अ स्लेव अमंग हिज एंसेस्टर एंड नो स्लेव हु हैज नॉट हैड किंग अमंग हिज. हेलेन केलर जब पैदा हुई थी तब वो डेफ और ब्लाइंड नहीं थी. वो देखने और सुनने की एबिलिटी के साथ पैदा हुई थी. 19 महीने की थी जब एक बीमारी ने उन्हें आ घेरा और डॉक्टर्स ने इसे डिस्क्राइब किया एन एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टोमक एंड ब्रेन which might have been scarlet fever or meningitis या scarlet fever को कहकर इन्होंने इस बीमारी को describe किया doctors ने. और यही बीमारी हेलेन केलर की जिंदगी में एक बुरा वक्त बनकर आई जो हेलेन केलर को डेफ और ब्लाइंड बना गई. और इस वक्त हेलेन केलर कुछ कुछ मार्था वॉशिंगटन के साथ कम्युनिकेट कर पा रही थी जो कि 6 साल की उनकी कुक की बेटी थी जो हेलेन केलर के साइंस को समझा करती थी. दोस्तों 7 साल की उम्र तक हेलेन केलर ने 60 से भी ज्यादा अपने होम साइंस कम्युनिकेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बना लिए थे. कैसे शुरुआत हुई हेलेन केलर की एजुकेशन की ये बताऊंगा. वापस आने पर सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर. जिंदगी खूबसूरत है मेरे यानी आजे पुनीत सोनी के साथ. जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं फिर रूप का रस पीने के लिए मन से भरी तेरी आंखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता
नजर से इतनी सुंदरता सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता किरणों का तेज है चेहरे पे किरणों का तेज है चेहरे पे हिरणों की है तुझ में चंचलता चलता आंचल का तेरे है तार बहुत कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए जीने के लिए मन से भरी तेरी आँखें रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है मेरे यानी आजय पुनीत सोनी के साथ। और जिन लोगों ने अभी अभी रेडियो उड़ान ट्यून किया है बता दें उन्हें कि आज हम बात कर रहे हैं हेलेन केलर की, द ग्रेट राइटर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज। ये कॉलेज कौन सा था ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो खैर दोस्तों, मैं बात कर रहा था हेलेन केलर की इलनेस की और जाते जाते मैंने कहा था कि वापस आने पर उनकी एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। इनकी मदर केट्स एडम्स ये 1886 में एक अमेरिकन नोट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। इसमें एक उदाहरण था, चार्ल्स डिकेंस ने ये नोट दिया था जिसमें उन्होंने एक दूसरी डेफ एंड ब्लाइंड वेमेन की सक्सेसफुल एजुकेशन के बारे में बताया था और इस वेमेन का नाम था लॉरा ब्रिजमैन। तो यहां पर यह क्लियर कर देना जरूरी है कि हेलेन केलर से पहले भी एक डेफ ब्लाइंड वेमेन ने एजुकेशन हासिल की थी।
तो जब केट्स एडम्स ने यह पढ़ा अकाउंट, तो इन्होंने अपनी छोटी बच्ची हेलेन को अपने पिता के साथ भेज दिया जांच करवाने के लिए जे जूलियन चिस्लोम के पास, जो कि आई एयर नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने बल्टीमोर में इन्हें इनकी एडवाइस लेने के लिए भेज दिया और चिशलम ने केलर को, केलर के फादर को रेफर कर दिया एलेक्जेंडर ग्राम डेल के पास, जो कि डेफ बच्चों के साथ उस वक्त काम कर रहा था। डेल समझदार थे, जानते थे डेफ ब्लाइंड को एजुकेट कैसे करवाया जा सकता है, तो डेल ने उन्हें एडवाइज कर दिया, सलाह दी कि आप पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में कांटेक्ट करें, जहां से ब्रिजमैन एजुकेट हुई थी, और ये स्कूल उस वक्त साउथ बोस्टन में चल रहा था। पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड का आज भी बहुत महत्व है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर्किंस से आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो खैर, माइकल एनोग्नस जो कि उस स्कूल के डायरेक्टर थे, जब ये लोग इनके पास पहुंचे तो माइकल ने 20 साल की एक फॉर्मर स्टूडेंट को, जिसका नाम था एन सुलेवन, जिसे हेलेन केलर को एजुकेट करने के लिए उन्होंने सौंप दिया। एन सुलेवन जो कि खुद एक विजुअल इंपेयर्ड थे। अब यहां ये ध्यान देने की बात है दोस्तों कि एक डेफ ब्लाइंड को एक विजुअल इंपेयर्ड ने एजुकेट किया था। उस वक्त सुलेवन 20 साल की थी और यहीं से दोनों का 49 साल लंबा चलने वाला रिलेशन शुरू हुआ। ये तो इस रिलेशन की शुरुआत थी और ये रिलेशन 49 साल तक चला, और इन 49 सालों में, इन 49 years में सुलेवन पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई हेलेन केलर की एजुकेशन में। तो इस तरह हेलेन केलर की एजुकेशन शुरू हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि सुलेवन ने स्टार्टिंग में हेलेन केलर को एजुकेट करना कैसे शुरू किया। हेलेन केलर डेफ ब्लाइंड थी, न देख सकती थी न सुन सकती थी, और अगर सुन नहीं सकती थी तो जाहिर बात है बोल भी नहीं सकती थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर सकती थी। हालांकि हेलेन केलर ने अपने बहुत सारे होम साइंस बना रखे थे, लेकिन एजुकेशन में आकर तो बात कुछ और ही हो जाती है ना। सुलेवन ने हेलेन केलर को एजुकेट करना शुरू किया। एजुकेट कैसे किया? पहले उसे डॉल दिखाई, इसके बाद हेलेन केलर की पाम पर उसे स्पेल आउट करना शुरू किया। मैं यहां पर यह क्लियर करना चाहूंगा, आप सोचेंगे कि पाम पर जब स्पेल आउट किया तो हेलेन केलर को कौन सा एबीसी आती थी, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि साथ ही साथ सुलेवन उसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज भी सिखा रही थी। डेफ चिल्ड्रन जो होते हैं
या डेफ लोग जो होते हैं साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया करते हैं, और हर कंट्री की साइन लैंग्वेज अपनी अपनी होती है। इंडिया की साइन लैंग्वेज अपनी है, अमेरिका की साइन लैंग्वेज अपनी है, जो इंडिया की साइन लैंग्वेज है ये दोनों हाथों से की जाती है। अब रेडियो, इंटरनेट रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम है, अगर देखने का माध्यम होता तो मैं आपको साथ के साथ बताता भी कि ये साइन लैंग्वेज कैसे होती है। फॉर द एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब आप साइन लैंग्वेज करते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में एबीसी लिखने में, तो दोनों अंगूठों को एक साथ जब आप जोड़ देते हैं हाथों को पीछे की तरफ से, तो मुट्ठियां बंद करके एक जैसे, तो ये ए बनता है। और दोनों मुट्ठियों को जब एक दूसरे के ऊपर टिकाते हैं, दाई मुट्ठी को बाई मुट्ठी के ऊपर टिकाते हैं, तो ये बी बनता है। इस तरह से ये साइन लैंग्वेज चलती है, एबीसी चलती है। और अलग अलग चीजों के अलग अलग साइन होते हैं, वाटर का साइन अलग होता है, रोटी का साइन अलग होता है, हर चीज का साइन अलग अलग होता है। तो इस तरह से इंडियन साइन लैंग्वेज दो हाथों से चलती है, लेकिन अमेरिकन साइन लैंग्वेज एक हाथ से चलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन साइन लैंग्वेज में दोनों अंगूठों को मुठ्ठियां बंद करके जोड़ देने से ए बनता है, लेकिन अमेरिकन साइन लैंग्वेज में आप सिर्फ एक हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए और अपना अंगूठा उस मुट्ठी के साथ लगा के खड़ा कर दीजिए, तो वो ए बन जाएगा। और आपको बताना मुश्किल है, कभी मौका मिला तो आप सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से सलेवन टीच करने लगी हेलेन केलर को उसकी फार्म पर एबीसी। हेलेन केलर लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाती थी क्योंकि उसे कुछ आता नहीं था, और फ्रस्ट्रेट होकर एक बार उसने अपनी डॉल तोड़ दी। सलेवन ने फिर उसे ठंडा पानी महसूस कराया, उसके एक हाथ पर पानी की बूंदे रखी। ये क्या है? उसने साइन किया, ये है। तो सलेवन ने उसे स्पेल आउट किया, WATER, वाटर। इस तरह हेलेन केलर की एजुकेशन चली। फिर हेलेन केलर को सलेवन ने समझाया धीरे धीरे, लव, LOVE, लव। तो ऐसे करते करते कुल मिलाकर के हेलेन केलर की एजुकेशन सलेवन के साथ चलने लगी। हेलेन केलर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। इनकी एजुकेशन के आगे के पड़ावों की बात करूंगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर, जिंदगी खूबसूरत है, मेरे यानी आज है पुनीत सोनी के साथ। चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले, पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे,
चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छांव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहां हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है, आरजे पुनीत के साथ। जिंदगी खूबसूरत है, सुन रहे हैं आप मेरे यानी आरजे पुनीत सोनी के साथ, और आज के इस शो में बातें हो रही हैं हेलेन केलर की। हम बात कर रहे थे कि कैसे हेलेन केलर की एजुकेशन शुरू हुई, कैसे सलेविन ने उनकी पाम पर उन्हें सबसे पहले वर्ड्स को स्पेल आउट करना शुरू किया, उन्हें फील करवाना शुरू किया, और एक डेढ़ महीने के बाद जब हेलेन केलर की सेंसेस ने इन सबको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया तो उन्हें बहुत मजा आने लगा। पहले जो हेलेन केलर फ्रस्ट्रेट हुआ करती थी, अब सीखने लगी सलेविन से। हेलेन केलर की एजुकेशन उनके घर पर ही शुरू हुई थी, क्योंकि पहले पहल उन्हें व्यवहारिक बातें सिखाना जरूरी था, जो कि सलेविन ने उन्हें सिखाई। इसके बाद मई 1888 में हेलेन केलर, जिसने पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड अटेंड किया, 1894 में हेलेन केलर और सलेविन गए न्यूयॉर्क अटेंड करने के लिए राइट हिम्पन स्कूल फॉर द डेफ, और सारा फुलर से हॉरिसमैन स्कूल फॉर द डेफ में
साइन लैंग्वेज सीखने के लिए। '96 में ये लोग वापस आए मैसाचुसेट्स में और केलर कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में एंटर हो गई और 1900 में रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन से पहले ये ब्रिग्स हॉल साउथ हाउस में रहीं। इनके एडमायरर मार्क ट्वेन जिन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड ऑयल मैग्नेट के हेनरी हटलस्टन से, हेनरी हटलस्टन रॉजर्स से, और उन्होंने और उनकी पत्नी एबी ने हेलेन केलर की एजुकेशन का सारा खर्च उठाया और 1904 में एट द एज ऑफ 24 केलर ग्रेजुएटेड from Redcliffe, becoming the first deaf-blind person who earned a Bachelor of Arts degree. So, इस तरह educate हुई Helen Keller. इसके बाद इन्होंने एक पत्राचार मेंटेन किया ऑस्ट्रियन फिलोसोफर पेडागोग विल्हम से जेरूसलम, जो कि उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हेलेन केलर की लिटरेरी योग्यता को, उसके लिटरेरी टैलेंट को डिस्कवर किया। हेलेन केलर की एजुकेशन पूरी हुई, बस इसके बाद कभी हेलेन केलर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1920 में जॉन स्कार्लेट के साथ इन्होंने एक एचकेआई इंस्टीट्यूट स्थापित किया और इसके बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करती रही, सोशलिस्ट पार्टी की मेंबर रही और इन्हें उस कमीशन का मेंबर बनाया गया जो उस वक्त ब्लाइंड लोगों की कंडीशन की देखरेख किया गया करता था। एंड फ्रेंड्स, केलर एक्सप्लेन्ड दैट हर मोटिवेशन फॉर एक्टिविज्म केम इन पार्ट फ्रॉम हिज कंसर्न अबाउट ब्लाइंडनेस एंड अदर डिसेबिलिटीज। I was appointed on a commission to investigate the conditions of the blind. For the first time, I had thought blindness a misfortune beyond human control. Found that too much of it was traceable to wrong industrial conditions, often caused by the selfishness and greed of employers, and the social evils contributed its share. I found that poverty drew women to a life of shame that ended in blindness. ये आखिरी पंक्तियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि लोग, औरतें गरीबी में जब होती हैं तो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली जाती हैं और यही सबसे बड़े अंधेपन की, दृष्टिहीनता की वजह है उनकी नजर में। हेलेन केलर ने
अलग अलग देशों की यात्राएं की, जापान, इंग्लैंड, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज में वो गई। और मैं बताऊं कि 1937 में जब वे जापान में गई, वहां पर इन्होंने हाचिको के बारे में पूछा। ये हाचिको 1935 में एक विच थी जो मरी थी अपने केयर टेकर को ढूंढते ढूंढते। एक प्रोफेसर थे जो एक बार कॉलेज गए, अपने ड्यूटी पर गए तो कभी वापस नहीं आए। इनको ढूंढते ढूंढते हेलेन केलर रोज पूछा करती थी कि कैसे, हाचिको स्टेशन जाया करती थी, उन्हें ढूंढा करती थी और एक दिन वो मरी पाई गई थी। और हेलेन केलर ने भी उसी नस्ल की एक डॉग उन लोगों से मांगा था और उन्होंने उसे दिया था। और अगर मैं हेलेन केलर के लिटरेचर की बात करूं तो इन्होंने लगभग 12 पब्लिश्ड बुक्स लिखी और बहुत सारी स्टोरीज लिखी, आर्टिकल्स लिखे, जिनमें जब ये 11 साल की ही थी तो इन्होंने एक कहानी लिखी थी। इनकी मुख्य पब्लिश्ड बुक्स में द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने 1903 में ये पब्लिश हुई थी। और ये किताब इन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान ही लिखी थी पूरी, जब ये पढ़ा करती थी, और जिसमें इन्होंने अपने 21 साल तक की जिंदगी को बयान किया है। इसके बाद द वर्ल्ड आई लिव इन 1908, आउट ऑफ द डार्क 1930, इनकी एक स्पिरिचुअल बायोग्राफी थी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, जैसे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ थी इनकी ऑटोबायोग्राफी। माई रिलीजन 1927 में, ये बाद में रीइश्यू हुई थी 1994 में अंडर द टाइटल लाइट इन माई डार्कनेस। और अवार्ड्स की बात करूं तो सितंबर 1964 में प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन अवार्ड अवार्डेड हर द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, सोशल पार्टी में एक्टिविस्ट रही और बहुत सारे कैंपेन्स भी इन्होंने किए वेमेन सफरेज के लिए, लेबर राइट्स के लिए, सोशलिज्म और अदर रेडिकल लेफ्ट कॉजेस के लिए। शी वॉज इंडक्टेड इनटू द अल्बामा वेमेन्स हॉल ऑफ फेम इन 1971। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं जिंदगी खूबसूरत है, आज पुनीत सोनी के साथ। वापस आऊंगा तो हेलेन केलर की डेथ की बात करूंगा और बताऊंगा कि आज डेफ ब्लाइंड लोगों को कैसे एजुकेट किया जाता है। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है, मेरे यानी आज पुनीत सोनी के साथ। Oh my God.
मन के सबा बागे वफाने पर सुन रहे हैं आप जिंदगी खूबसूरत है मेरे यानी आजे पुनीत सोनी के साथ। और दोस्तों आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं हेलेन केलर की जिंदगी के बारे में। मैंने आपको बताया हेलेन केलर के लिटरेरी टैलेंट के बारे में। उनकी एजुकेशन की हमने बात की, उनके अवार्ड्स की हमने बात की, और अब उनकी डेथ की बात करूंगा। दोस्तों इस दुनिया में जो आया है उसे जाना तो होगा ही, इसीलिए 1 जून 1968 में हेलेन केलर अपने घर पर आर्कनरिज अपने घर में, जो कि ईस्टर्न कनेटिकट में लोकेटेड है, यहीं पर इनकी डेथ हो गई। इसके कुछ हफ्ते बाद ही इनका जन्मदिन वॉशिंगटन डीसी में मनाया जाना था, लेकिन शायद हेलेन केलर के लिए ये देखना खुदा को मंजूर नहीं था, यही कहना होगा दोस्तों। हेलेन केलर बहुत महान थी। उनकी महानता सिर्फ इस बात में नहीं कि वो राइटर थी या वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी या लेक्चरर थी। हेलेन केलर अपने आप में एक मिसाल है। She was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. तो इस तरह दोस्तों हेलेन केलर की जिंदगी चली। में उस वक्त प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने
हेलेन केलर की 100 बर्थ एनिवर्सरी पर इस दिन को हेलेन केलर डे मनाने का अपनी कंट्री में प्रस्ताव किया और ये हर जगह एक्सेप्ट भी हुआ। ये सबसे पहले पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है यहां ऑथराइज हुआ था और इसके बाद ये फेडरल लेवल पर इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि डेफ ब्लाइंड लोगों को एजुकेट कैसे किया जाता है। मैंने जैसा कि अपने शो में पहले ही बताया कि जैसे कि हेलेन केलर को एजुकेट किया गया था, सबसे पहले उन्हें उनके पाम पर सेंसेस की पहचान करवाई जाती है, उन्हें अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं, वन हैंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज, क्योंकि डेफ ब्लाइंड के लिए अमेरिकन साइन लैंग्वेज सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि एक हाथ से वो यूज की जाती है। हालांकि ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि एक हाथ पर हाथ रखकर ही यूज की जाएगी, दूसरे लोग जो डेफ लोग होते हैं वो सिंपली यूज करते हैं, लेकिन डेफ ब्लाइंड लोग जब अमेरिकन साइन लैंग्वेज यूज करते हैं तो जिस इंसान से उन्हें कम्युनिकेट करना होता है उस इंसान के हाथ पर अपना हाथ रखकर वो साइन करते हैं जिससे कि सामने वाला उनकी बात को समझ ले। ब्रेल सिखाई जाती है उन्हें ताकि जो ब्लाइंड लोग साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं उनसे ब्रेल में भी कम्युनिकेट कर सकें और साथ ही साथ जनरल लेटर्स भी सिखाए जाते हैं ताकि जो आम लोग साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं वे इनकी पाम पर लिखकर अपनी बात को कह सके। मैं यहां पर यह क्लियर कर दूं कि डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, इंग्लिश में भी इनका सारा कम्युनिकेशन चलता है। हालांकि होम साइंस के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये लोग बातें करते हैं लेकिन जो मुख्य आधार है इनके कम्युनिकेशन का वो इंग्लिश ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आम लोग पाम पर जब लिखेंगे तो उन्हें एहसास कैसे होगा लेटर्स का, बाकी अमेरिकन साइन लैंग्वेज लेटर तो ठीक है कि फिंगर्स से चलती है, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज भी जिसे कहते हैं, तो आम लेटर्स को कैसे वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैं बता दूं कि जब इनके हाथ पर लिखा जाता है तो कोई भी वर्ड जब लिखते हैं तो उसके हर लेटर के बाद डॉट लगाना होता है जिससे कि वो समझते हैं कि अब ये लेटर लिखा गया। या अगर डॉट लेटर के बाद नहीं तो वर्ड के बाद भी लगाया जाता है, ये अपने अपने सेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों ये लोग टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करने के लिए इनके लिए रिफ्रेशेबल ब्रेल है। मुंबई में कभी मौका मिले तो जरूर विजिट कीजिए हेलेन केलर इंस्टीट्यूट। रिफ्रेशेबल ब्रेल में ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड्स आजकल मोबाइल के लिए चल रहे हैं, उसी तरह सी का डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट जब की जाती है तो जॉज की मदद से उसके ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी आता है वो सीका पर ब्रेल में लिखा हुआ आता है ताकि डेफ ब्लाइंड लोग इसे चला सकें, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। कंप्यूटर एजुकेशन इनका एक मुख्य अंग है दोस्तों, इसलिए आज के शो के कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको यही कहूंगा कि ब्रेल हम सबकी, जैसे मैं अगर कहूं तो आधार, जीवन आधार है। हां, माना कि आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ रही है, हम लोग शायद ब्रेल की अहमियत भूल रहे हैं, लेकिन जरूरत है ब्रेल की अहमियत भूलने की नहीं, इसे संरक्षण देने की, क्योंकि अगर ब्रेल ना होती तो शायद इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे, और अगर करते भी तो इसमें अभी बहुत समय लग जाता। ब्रेल एक क्रांतिकारी आविष्कार था जो आज भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। लोग ये दलील देते हैं कि ब्रेल की बुक्स कौन संभाले, इतनी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, लेकिन हम लोग तो जब तक किसी चीज को पढ़ ना लें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती।
सुनकर वो मजा ही नहीं आता। अपना शो भी प्रिपेयर मैं जब करता हूं तो पहले उस शो को मैं, जानते हैं आप, ब्रेल में लिखता हूं। तो ब्रेल को छोड़िए नहीं, अपनाइए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसे भी यूज कीजिए, दोनों को यूज कीजिए। मैं नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी यूज ना करें, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर देखें, उनके टाइम में ये एसी कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, बिजली भी नहीं थी, लेकिन आज ये लोग भी एसी कूलर पंखे यूज करते हैं। जमाने के साथ चलना पड़ता है, तो जमाने के साथ चलिए, जरूर चलिए, नहीं तो जमाने की रफ्तार से पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी यूज कीजिए लेकिन ब्रेल को मत छोड़िए, यही हमारा कंक्लूजन है। आपको हमारा शो कैसा लगा बताइएगा जरूर। लॉग इन टू www.radiodan.com। आप डायरेक्ट मेरी ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, puneet@radiodan.com पर या puneetsony20@gmail.com पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कोई ऐसा करेक्टर है जिसे शो में रिव्यू किया जाना चाहिए तो आप हमें मेल करें, ईमेल आईडी में आपको बता चुका हूं। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/radiodan या उस पर मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, कीप रेडी फॉर द नेक्स्ट शो इंस्पिरेशनल विंग्स विद आरजे दिव्या शर्मा। छोड़े जा रहा हूं इस खूबसूरत गीत के साथ, ये गीत डेडिकेटेड है हेलेन केलर को, उसके माँ बाप को और उसके टीचर्स को। गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर और जय हिंद। और याद रखिए, जिंदगी खूबसूरत है। हमारे
वाली दुआ हमें सिर्फ एक आसरा है तिला तेरी रहमत राह रोशन करे सलामत रहे साया माँ बाप का Just